इंडिया बीट नेपाल बट अब तो गदर 2 का जो कहानी होगी वो 10 सितंबर को ही होगी। और इंडिया की जीत एक बहुत बड़ी जीत मैं नहीं कहूँगा, और एक बहुत बड़े की प्लेयर की वापसी हो रही है वर्ल्ड कप में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स यानी यूट्यूब चैनल में। कल इंडिया ने नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। मैच कम फेज में हो गया, कम ओवरों का हो गया था ड्यू टू द रेन, और नेपाल ने बैटिंग करते हुए एक अच्छा टोटल खड़ा किया था, 230 रन यह बनाया, जो कह सकता हूँ कि एक गुड स्कोर था। और नेपाल ने अच्छी बैटिंग की और इंडिया के बॉलर स्टार्टिंग फेज में तो एकदम बेबस नज़र आए, बेबस इन द सेंस विकेट ले ही नहीं पा रहे थे, ओपनर को आउट नहीं कर पा रहे थे। वो बाद में हुआ कि धीरे धीरे इनके बल्लेबाज आसिफ ने अच्छा खेला, नीचे से मोहा आकर अच्छा खेल दिया, तो उन्होंने अच्छा टोटल किया। और बाकी थोड़ा सा और नेपाल इम्प्रूवमेंट करेगी तो एक एशिया की एक अच्छी टीम बन सकती है, बट सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत टीम सपोर्ट करे, जैसे इंडिया सपोर्ट करे नेपाल को, तो आई थिंक इट्स अ गुड टीम फॉर फ्यूचर। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो नेपाल ने अच्छी बॉलिंग में बात करूँ, जडेजा और आपके सिराज ने 3 विकेट लिए, बाकी कोई ज़्यादा उतनी खास इम्प्रेसिव बॉलिंग मुझे नहीं दिखा। बाकी बैटिंग करते समय इंडिया ने सुमन गिल और दोनों ओपनरों ने रोहित शर्मा 72-64 रन बना के इंडिया ने इस मैच को ईजिली जीत लिया। तो कमियां क्या रही, इंडिया की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही, श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी स्थिति रही तो बहुत ज़्यादा टोटल खड़ा कर सकती है पाकिस्तान की टीम हुई या बांग्लादेश की टीम हुई या आपके अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि उनकी बैटिंग नेपाल से ज़्यादा अच्छी है, तो आपकी बॉलिंग बेबस और लाचार दिख रही, तो इस बॉलिंग से आप एशिया कप वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते ना, क्योंकि और फील्डिंग देखोगे, फील्डिंग बेंच जो नहीं, क्या है रे, कैसे कर रहा है भाई, विराट हुए चाहे आपके कोई भी फील्डर हो, श्रेयस हुए, सब लोग टप्पा दे रहे रे, कैसे देगा रे, मत दे भैया, वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान तो आपसे अच्छी कैचिंग पोजीशन है, बट मैं बात करूँ इंडिया का तो बहुत नीचे आ रहा है, फील्डिंग का स्तर ही गिर गया है, तो फील्डिंग सुधारो, फील्डिंग से मैच और वर्ल्ड कप दोनों जाता है, सब कुछ जाता है, तो फील्डिंग बहुत ख़राब है इंडिया की, बहुत बेबस ख़राब है। अब गदर 2 की कहानी बताता हूँ, गदर 2 की कहानी ये है कि अब सुपर 4 में पहुँच चुके हैं, सुपर 4 में पाकिस्तान, अब सुपर 4 में 4 टीमें जाएंगी और वहाँ पे से 2 टीम क्वालिफाई करेगी, तो सब एकक मैच खेलेंगे, यानी इंडिया 3 मैच खेलेगी, और अगला मैच जो होगा 10 तारीख को होगा सितंबर में, गदर 2 पाकिस्तान से अगेन होगा, 3 मैच हो सकते हैं, फाइनल में पहुंचती है इंडिया पाकिस्तान तो तीसरा मैच भी हो सकता है, तो आसान नहीं है। बाकी पाकिस्तान की टीम इज़ द वेरी गुड टीम, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ अच्छी है, यंग टीम भी है, चाहे आप बॉलिंग में कह लो सहीन नसीम, आपके राहुफ, उसके बाद आपके सादाप नवाज, और थोड़ा सा नवाज इनकी ये कमजोरी है, बाकी बैटिंग में टॉप 4 देखोगे तो गजब की बैटिंग है, आपकी इनामुल हक को देख लो, फिर उसके बाद फ़कर जमान, बाबर आजम, रिजवान, तो यार इफ्तिकार चाचा ये भी हैं, तो अच्छी टीम है। गदर 2 अब होगी तो भाई उसी दिन होगी, गदर 2 में अब देखना पड़ेगा, गदर 1 में तो भाई ड्रा हो गया, अब गदर 2 हम लोगों को जीतना ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को नीचा दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड कप से, पता है कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड के प्लेयर कैप्टन भी हैं, और क्या हुआ था, आईपीएल खेलने आए थे, पहले ही मैच में इंजरी और से बाहर हो गए थे, लोग कहते थे कि वर्ल्ड कप केन विलियमसन नहीं खेल पाएंगे, बट अब ये स्थिति आ चुकी है कि केन विलियमसन को स्क्वाड में रख लिया गया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो वर्ल्ड कप 2023 में आपको केन विलियमसन खेलते नज़र आएंगे, और बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा केन विलियमसन के फैंस को, और अभी 2 महीने का ट्रायल है, उसके बाद ट्रायल होने के बाद आपको केन विलियमसन दिखेंगे। उधर आपके मिशेल मार्श ने T20 में साउथ अफ्रीका का सुपड़ा साफ कर दिया, 3-0 से जीत लिया है। तो बहुत सारी न्यूज़ थी, बहुत सारी क्रिकेट जगत से बातें हुई, आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई आल्सो कमेंट और लाइक शेयर, क्योंकि आपका प्यार चाहिए बस, थैंक यू।